गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी, सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 9 और काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर शाखियां और सबक। अब हमने जो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया था गद्य खंड का, गद्य खंड में दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो लिखित था उसके बारे में मैंने बताया था आपको, एक्सप्लेन किया था, देन आपको नोट्स मैंने पीडीएफ में भेजे थे, वो आपने कर लिए होंगे। उसको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि हर एक चैप्टर का टेस्ट भी होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज हम अपना क्षितिज का ही जो सेकंड भाग है काव्य खंड, काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर कबीर की साखियां, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो साखियां लिखी हैं, कबीर दास जी ने अपनी हरेक साखी में कोई ना कोई शिक्षा प्रद बातें कही हैं, ईश्वर भक्ति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, या फिर जो धर्म के नाम पे जो भेदभाव किए जाते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने सबद में, इसी का सेकंड पार्ट है साखियां और सबद, तो सबद में उन्होंने धर्म के नाम पर जो एक दूसरे से अलग होते हैं या अपने को एक दूसरे से अलग करते हैं, धर्म के नाम पर जो बोलते हैं उनके बारे में बताया है कि कोई कहता है राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं खुदा हमारा है, तो ये जो बंटवारा किया गया है ईश्वर का धर्म के नाम पर, इसके बारे में कबीरदास जी ने अपने शब्द में कहा है। तो इनकी प्रत्येक साखी और सबद के बारे में विस्तार पूर्वक मैं व्याख्या करूं, उससे पहले इस पाठ के जो कवि हैं कबीर दास जी, उनके जीवन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक पाठ में लिखने से पहले, पाठ को लिखने से पहले कवि या लेखक का हमें जीवन परिचय लिखना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि इस पाठ को लिखने वाले कवि के जीवन में क्या क्या है, उनके जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं और भी उनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अब हम कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीर दास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग में रहकर, पर्यटन अथवा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं बहुत सारी हैं, उसमें कबीर ग्रंथावली में जो संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर दास जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। निर्भय इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी हरेक साखी में या हरेक पद में बिल्कुल बिना किसी डर के निष्पक्ष होकर अपने मत को रखा है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इसका मतलब समझे कि इसमें कबीर दास जी ने ईश्वर को एक माना है, लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि जो समाज में है वो ईश्वर की एकता न मान के उसको अलग अलग करते हैं, तो वो इस तरह के पाखंड को, भेदभाव को और कर्मकांड का उन्होंने अपने पदों में खंडन भी किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्यसंग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता भी उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। तो अब हमारा ये जो इन्होंने बातें कही हैं, जैसे ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा, ये जो सारी बातें हैं वो जो उनकी साखियों में आएंगी उसकी व्याख्या अब हम एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है। तो अपनी सबसे पहली साखी जो है, अब आप लोग बुक की जो फर्स्ट साखी है उसको पढ़ेंगे। पहली साखी है, मानसरोवर सुभग जल हंस के लिए करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। देखो सबसे पहले साखियां पढ़ने से पहले आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं, ताकि आपको उसका अर्थ समझ में आए कि इस साखी में कबीर दास जी कहना क्या चाहते हैं। जब तक आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे तब तक आप उसकी व्याख्या सही से नहीं समझ पाए। जैसे इसमें फर्स्ट वाला आपका जो शब्द है मानसरोवर, मानसरोवर का मतलब होता है हिमालय पे स्थित एक पवित्र सरोवर है जिसको कहते हैं मानसरोवर। तो इस वाली पंक्तियों में मानसरोवर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं। मानसरोवर में जल, मानसरोवर के जल में हंस खेल रहे हैं। और मुक्ता फल, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। उस पानी में तैरते हुए मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं। उन्होंने इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आता है, उन हंसों को इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आता है कि वो यहाँ से उड़कर कहीं अन्य नहीं जाना चाहते। ये तो पंक्ति का अर्थ है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ जो कबीर दास जी के अनुसार है वह आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में मनुष्य लीन होता है, वे इससे मुक्त होकर और कहीं जाना नहीं चाहता। मतलब जब वह भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो वो उस भक्ति को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता है। अब हम अपने सेकंड उस पे आते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब इसमें प्रेमी का जो अर्थ है वो प्रभु यानी ईश्वर से है। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं सच्चे प्रभु यानी कि प्रेमी को खोजने संसार में निकला तो मुझे बहुत प्रयत्न करने पर भी वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला यानी ईश्वर की जब मुझे भक्ति मिल गई तो मेरे मन से सारे पाप जो थे वो पुण्य में बदल गए और मेरे अंदर जो दुर्भावनाएं थी, जो गलत बातें थी वो सब नष्ट हो गई। और नष्ट होने के बाद मन में पवित्रता रूपी यानी जो पवित्र रूपी अमृत का जल संचार हो गया। तो इसमें सेकंड वाली पंक्ति में कबीर दास जी ने ईश्वर की भक्ति मिलने पर मन में जो दुर्व्यवहार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अमृत रूपी जल का संचार हो जाता है, इसके बारे में बताया है। अब सेकंड जो पंक्तियां हैं, अब इसके बाद जो अगला थर्ड अपना आएगा इसकी व्याख्या मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूंगी। थैंक यू।